ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। चुनाव भले ही किसी भी प्रदेश का ही क्यों ना हो, लेकिन मस्त मोला शहर बनारस में उसका असर दिख ही जाता है। यही वजह है कि बिहार चुनाव का कनेक्शन बनारसी से हो गया है, वो भी बिहारी पान के चलते। सही सुना, बनारस में बनारसी पान के साथ दुकानों पर बिहारी पान भी परोसा जा रहा है, वो भी मुफ्त, सिर्फ बिहारियों के लिए, ताकि शत प्रतिशत मतदान को बढ़ावा मिले और रोजाना बनारस आने वाले बिहार के मतदाता जागरूक हो सके। बनारस मशहूर बनारसी पान के लिए भी है, लेकिन इन दिनों पान की दुकानों पर बनारसी पान के साथ ही बिहारी पान ने जगह बना ली है, जिसकी एकमात्र वजह है बिहार चुनाव। लेकिन बिहारी पान कमाई के मकसद से नहीं, बल्कि बिहारी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बेचा जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य के मकसद से लोग रोजाना बिहार से बनारस आते जाते हैं या फिर अस्थायी रूप से रहते भी हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग फ्री में पान खिलाने वाले दुकानदार के प्रति आकर्षित होकर पान का लुफ्त ले रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर विधानसभा के रहने वाले प्रदीप पटेल भी बिहारी पान खाने आ गए। उन्होंने बताया कि वो न केवल खुद वोट करने बिहार जाएंगे, बल्कि और अन्य मतदाताओं को भी जागरूक करेंगे। प्रदीप जी, यहाँ इस पान की दुकान पे क्या आपको खास चीज देखने को मिली और यहाँ आकर्षित हुए और पान क्यों खाए? पहले तो हम बता रहे कि हम बिहारी हैं और इस दुकान पे जब पान खाने के लिए आए तो यहाँ 100% करें मतदान, मुफ्त में खाए बिहारी पान। इस चीज़ को देखकर हमें बहुत खुशी मिली और हम बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा वोट जाएगा। तो क्या आपको इससे क्या संदेश देखने को मिला और वोट करने आप भी जाएंगे? हम तो जाएंगे वोट करने और जो भी मतदाता है उनसे अपील करेंगे कि वो घर से निकले और 100% वोट करें, मतदान करें। वहीं मतदान के लिए बिहारी मतदाताओं को मुफ्त में पान खिलाने की मुहिम छेड़ने वाले पवन चौरसिया की छोटी सी दुकान शहर के चौक इलाके में है, लेकिन उनके हौसले काफी बड़े हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना काफी तादाद में बिहार से लोग वाराणसी आते हैं और यहाँ स्थायी रूप से रहते भी हैं। उन्हीं मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से मुफ्त में बिहारी पान खिलाया जा रहा है। आमतौर पर बनारस में पान की दुकानों पर बनारसी पान बिकता है, लेकिन बिहारी मतदाताओं के लिए मुफ्त में बिहारी पान तैयार किया जा रहा है। इसको तैयार करने का तरीका अलग होता है। बिहारी पान में सूखी सुपाड़ी, जर्दे की पीली पत्ती, चिप सुपाड़ी और जाफरानी को डाला जाता है, जो बिहारी पान को बनारसी पान से अलग बनाता है। पवन जी, किस तरह का बिहारी पान खास आप तैयार करके बेच रहे हैं और किन लोगों के लिए? मैं यहाँ जितने भी बिहारी लोग स्टूडेंट हैं, काम धंधा करने वाले हैं, व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं इस दुकान पे जो है बिहारी पान खाने के लिए आते हैं। अब मैं ये ख़ास तौर करके बनारसी पान तो अपने में तो वो आई है, लेकिन मैं बिहारी पान अपने यहाँ लगा रहा हूँ। क्यों? क्या बिहार चुनाव है इसलिए? बिहार चुनाव है इसलिए, और बिहार चुनाव है इसलिए कि मैं बिहारियों लोग को पान जो है 100% जो है फ्री में खिला रहा हूँ, कि वो यहाँ से पान खा कर के जाएँ और वो अपने यहाँ जा कर के मतदान करें। ये बताइए क्या अलग होता है बिहारी और बनारसी पान में? बिहारी पान में बहुत अलग होता है। बिहारी पान में ये है बिहारी का पान, ये क्या मतलब क्या 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 चीज़ें उसमें अलग पड़ती हैं? इसमें जैसे भोला है, 32 है, सूखी सुपाड़ी है, फिर उसके बाद जो है चिप्स सुपाड़ी है, ये सब बिहारी पान में पड़ता है। सूखी पीली सुरती वही 132 है, भोला है और जाफरानी है, लेकिन ज़्यादा करके जो है लोग चौड़ी वाली पत्ती खाते हैं बिहारी पान में। बनारसी पान में ऐसा नहीं होता? बनारसी पान में ऐसा नहीं होता है। तो क्या लग रहा है, लोग आपके यहाँ पान खाते जा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मतदान करेंगे? जी, हमारे यहाँ तो लोग पान खा करके जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तो मतदान करूँगा। आप भी यही चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं। बनारसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।